आज हम दिखाएंगे डिंडौरी ज़िले की मड़ई किस तरीके से जो लगती है मड़ई। हम मड़ई के करीब पहुंच ही गए हैं काफ़ी दूर चलने के बाद। यहां से होती है मड़ई स्टार्ट और यहां से कुछ लोग मड़ई करके भी बाहर निकलते जा रहे हैं और मुझे टाइम हो गया है तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। यहां पर देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ। काफ़ी लोग बच्चे भी हैं, खिलौने की दुकान, गुब्बारे, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये शूज़ की दुकानें हैं, कितने सारे शूज़ हैं, सेल्फी ले रहे हैं लोग। काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर भी। ये मिठाइयों की दुकान है, इस तरफ भी फुटवेयर की दुकान है ये, और आगे हम आपको दिखाते जा रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए फुटवेयर की दुकान है काफ़ी ज़्यादा। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो हम थोड़ा आराम से निकलेंगे। नहीं है, ये देखिए यहाँ पर महिलाओं की जो फैंसी चूड़ियाँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इस तरह कलर हर डिजाइन में मिलेंगी, सजी हुई चूड़ी कंगन मात्र 30 रुपए 60 रुपए में। यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चों के शूज, मिठाइयाँ, लोग मड़ई करके और हम अभी मड़ई में जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आएगा, वीडियो में देखे बने रहें। ये देखिए कहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये है बर्तन लोहे की दुकान, यहाँ पर भी काफ़ी पुराने से और नए नए सामान यहाँ पर मिल जाते हैं अपन को। और यहाँ पर देखिए बच्चों की दुकान, बच्चों के खिलौने। छोटू नमस्कार। यहाँ पर देखिए ये कपड़े की दुकान है, यहाँ पर हमारे पहचान वाले हैं, सैपुरा से हैं, ये हमारे भाई हैं। वहाँ पे देखिए छोटा वाला भाई, वीडियो है यूट्यूब में जाएगा। तो हम चलते हैं यहाँ कपड़े की दुकान तरफ, फिर आपको हम लेके चलेंगे। बच्चों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और मुझे यहाँ पर ठंडी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मुझे टोपा ख़रीदना है। तो टोपा ख़रीदने के लिए मैं कहीं दुकान पर जाऊँगा, जैसे यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है, तो मैं दूसरा दुकान देखूँगा। और हम एक अपने लिए ख़रीदेंगे टोपी, अच्छी वाली टोपी। और मुझे लोअर भी ख़रीदना है। कम ये वाले दुकान में देखिए कम से कम रेट में आपको कपड़े मिल जाएंगे। नमस्ते। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे लोग हैं, नमस्ते कर रहे हैं आपसी में। यहाँ पर तो कपड़े की दुकान नहीं पड़ेगा। हाँ एक ये दुकान है, ये भी सैबरा वाले हैं। कैसे है? टोपी है अपने लिए। ये देखो मैं भैया से टोपी मंगा रहा हूँ, कुछ अच्छा में दिखा ना मेरे को इसमें। अरे यार ये थोड़ी बिजू का टाइम में लगता है, थोड़ा सा अच्छा फिट हो बस। तो भैया मेरे को दिखाएंगे टोपा, ये दिखा रहे हैं पूरा फिटेगा। बताओ आप इनमें से कौन सा टोपा लूँ मैं। ये देखिए मैं आपको एक टोपा दिखा रहा हूँ, इस तरीके से कौन सा टोपा चाहिए ये पूछते हैं। अब भैया को इनसे हम रेट पूछते हैं, इनका कितना है। मेरे को यहाँ से हाँ ये नीचे वाला निकाल, मैं ये वाला टोपा ले रहा हूँ जो कत्था कलर के, भैया निकाल रहे हैं। भैया से पूछेंगे कि ये कितने का है। कितने का भी टोपा यार, बहुत ज़्यादा बता रहे, कम कर लो। लोअर है क्या अपने लिए? लोअर कुछ कम करो ना। 80 रुपये। अरे यार 70 लो। तो मैं भैया को इस वक्त 70 रुपये दे रहा हूँ। भैया एक बार देखो ना यार, वीडियो बाय कर दो। भैया शर्मा रहे हैं, बाय नहीं कर रहे। तो दे रहा हूँ 100 रुपये। तो अब हम चलेंगे दूसरे दुकान में,
यही हो, लोअर है क्या? कितने का है ये? 450। यहाँ भी नहीं है, हम जाते हैं दूसरे दुकान में जहाँ से मेरे को लोअर मिल सके। कौन सी दुकान में जाऊँ? यहाँ पूछते हैं भैया के पास में। भैया लोअर है क्या अपने? इस टाइप में नहीं और दूसरे में नहीं है। ठीक, तो ये मेरे पास टोपा आ गया, ये देख रहा है। मैं टोपा लगा लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से दिखूँगा, है ना। यहाँ पर पूछते हैं भैया से, भैया लोअर है क्या, दिखाइए ना मुझे। हाँ, स्पोर्ट में। वो भैया दिखा रहे हैं मेरे को लोअर, तो हम देखते हैं। वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल नहीं है, यूट्यूब चालू है। ये चीज़ें भैया दिखा रहे हैं, और इससे अलावा कुछ यार ब्रांडेड में ही है। ब्रांडेड में तो है, लास्ट की नाड़ा है, दोनों रख लीजिए ब्रांडेड। और रंग कौन पसंद है तो बता दे कौन ना, और जो रंग पसंद है तो बता दे। कितने का आएगा, कितने में? 2500 पूरे में है ना, कितने रखना है? कितने का? एक ही रखना, 240 में। ऐसा रहता है ये वाला। और अच्छे टी शर्ट होंगे क्या? अच्छे में टी शर्ट नहीं है मेरे पे, है टी शर्ट लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा कम है। आप लोग अच्छा ले रहे हैं तो टी शर्ट दीदी दोनों रखना ना यार भैया। नहीं यार, एक ही चाहिए। नहीं नहीं मानो तो, और कम 10 रुपये और कम। नहीं नहीं आप मानो तो एक ही रखना। अरे बैठ यहीं ले, यहीं ले। कितना देना? 280 ना, कितना देना? 40-50 है। दूसरे ये भैया के पास से हमने लोअर खरीदे, आपने देखा होगा। आप भी आइए इनके पास में खरीदने। तो हमने खरीद लिया है लोअर, अब हम आपको दिखाते हैं बच्चों के झूले। मैं पहले कैप पहन लूं, ये मैंने कैप पहन लिया। अब हमको, हम आपको बाकी का मार्केट घुमाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ बच्चों के खिलौने हैं रंग बिरंगे। ये महिलाएं यहाँ पर देख रही हैं, यहाँ भी देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने। ये देखिए चैन लॉकेट वगैरह यहाँ पर मिलेंगे। और हम, और मैं अकेला हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मेरे साथ में कोई नहीं, और मेरे साथी भी अभी यहाँ दिख नहीं रहे हैं कोई। तो ये दिखाता हूँ, और बच्चों के झूले जो कम अभी अब खाली होने लगे हैं मार्केट। अब सभी लोग घर जाने की तैयारी चल रही है सभी की। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर ये मिठाई की दुकान यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिंगाड़े की दुकानें हैं, यहाँ पे चिकन चॉप। तो हम अभी यहाँ पर आगे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे चलेंगे। ये यहाँ पे मछली की दुकानें हैं जो देसी अपने अपने गांव से लेके आते हैं। ये यहाँ पर भी देखो, ये कितने कैसे दे रहा भैया किलो मछली? 180। ये देखिए चाट की दुकान है, मड़ई मेला आते हैं तो लोग यहाँ चाट खाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बच्चों के झूले, यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं बड़े मज़े से। जब हम भी छोटे छोटे थे तो इसी तरीके से झूला झूलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर ऐसे।
और आपको देखते हैं ये बड़े वाले झूले जो मोटर से ऑपरेटेड होती है। ये देखो यहाँ पर बच्चे जंप कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से मज़ा आता है इनमें। यहाँ पर देखो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर जंपिंग करते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। ये देखिए अब हम आपको दिखाते हैं झूला जो कि देखो काफी ज्यादा शोरगुल हो रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों के झूले, मिरावी 9 1 YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।